तो दोस्तों आज हम बहुत बियर्ड एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो शॉर्ट कट अधिकांश लोग करते हैं ब्रश, और जो टूथपेस्ट है वो सबका अलग अलग होता है। किसी का कोलगेट का होता है, किसी का दंतकांति का होता है, किसी का क्लोजो का होता है। आप जानते हैं अनेक प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं, तो सब अलग अलग यूज करते हैं। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जो आपका टूथपेस्ट है किसी भी कंपनी का, वो कितने दिन तक चलता है? जैसे कि आपका 200 ग्राम का तो वो कितने दिन चलता है, 100 ग्राम का तो वो कितने दिन चलता है, 25 ग्राम का भी छोटा वाला वो कितने दिन चलता है। आज हम इसी का टेस्ट करने वाले हैं कि टूथपेस्ट है वो नॉर्मली कितने दिन चलते हैं। अब मान लीजिए ये दंतकांति का, क्या बोला तूने, दे सकते हैं ये 200 ग्राम वाला है, मैक्सिमम पैक है वैसे 200 ग्राम का है। मान लीजिए कि ये 100 दिन चलता है, तो और भी जो कंपनी के 200 ग्राम के वो भी 100 दिन चलेंगे। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। तो क्या करेंगे, हम बार बार ब्रश लेंगे, मतलब जो ब्रश है ना पर टूथपेस्ट लेंगे और उसको कटोरी में इकट्ठा करते चले आएंगे, और उसी हिसाब से हम अपनी जो काउंटिंग है वो कर लेंगे। तो जो हमारा टूथपेस्ट है वो 95 का है, 95 का भी नहीं आया, क्योंकि हम देखिए ये तीन पैक लाए थे। देखिए ये देखिए, ये कोई पेट प्रमोशन नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये देखिए 200 ग्राम के आते हैं इसमें तीन, और ये 215 रुपये का आता है, तो शायद 75 रुपीज़ का एक पड़ गया, 75 नहीं 70 रुपीज़ का शायद ऐसा कुछ आसपास पड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सस्ता ही पड़ता है। वैसे अगर आप सिंगल लेंगे तो 95 का आएगा 200 ग्राम का। दो हम यूज कर चुके हैं घर पर, तो ये सिंगल बचा, तो मैंने सोची इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बढ़िया, मुझे पसंद आया, मुझे खुद नहीं पता कि ये कितने दिन चलता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने चलता है। हमारे घर पर 4 लोग हैं, और आप भी मन में सोच लेना कि आपका टूथपेस्ट कितने दिन से चलता है, और फिर उसे रियल से मैच करना कि सही है कि नहीं है। तो देखिए मैंने क्या ना एक बार निकाल लिया, इसमें क्या मैं थंबनेल बनाया था तो उसमें जो बच गया तो मैंने इसमें कटोरी में निकाल दिया। तो आप देख सकते इतना ही निकला है, बाकी बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो देखिए एक बार में आदमी कितना लेता है, अगर बच्चे भी होंगे तो इतने ही लेंगे। तो समझ रहे हो ना तो हम ऐसे करते करते कटोरी में डालते चले आएंगे, और फिर देखते हैं कितनी बार ही निकलता है। तो देखिए एक बार है, फर्स्ट बार है हमारा, वो है पहला। तो आप इसे पूरे दिन पहुंच चुके हैं देखिए हम, और ये दूसरी बार हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसे कटोरी में डाल लेते हैं 3। मैं जानता हूं कि जो ब्रश है ना उसके अंदर थोड़ा भर रहा है, पर वो अंदर ही रहेगा। 4, क्योंकि बाहर तो वो निकलने नहीं वाला। मैं सोचता था थोड़ा सा इजी होगा, पर मतलब थोड़ा वैसा लग रहा है। चल झूठा। 10। तो दोस्तों आप देखिए 10 बार हमारा कम्प्लीटली हो चुका। तो जब 100 बार हो जाएगा तब हम बताएंगे। अब तो दोस्तों जो बीच की गिनती है वो हमें कट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने पूरी गिनती बताई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम सीधे 100 पे बताएंगे। चल झूठा। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक बार आपको बता दूं कि मतलब 50 कितनी देर में होते। तो देखिए हमारा टूथपेस्ट देखिए इतना खाली हो चुका है, आप देख सकते हैं आराम से, मतलब करीब करीब 30-35% खाली हो चुका है, और 40 पूरे हो चुके हैं, और जो मेरे हाथ में वो 47वां है। तो देख सकते हैं मतलब कितनी जल्दी खाली हो रहा है। तो मैं देखिए आप देखिए कितना टूथपेस्ट देखिए मैं ले रहा हूँ, नॉर्मली जो आप यूज करते हैं ना उतना ही ले रहा हूँ। ये देखिए कितना यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, 48। बच्चे तो मतलब हद से ज़्यादा करते हैं, आधा फैलाएंगे आधा खाएंगे, और फिर खा खू कर टट्टी जाएंगे। क्या बोला तूने, 49 हो गए 50। तो दोस्तों देखिए हमारे 50 का पूरा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 30-35% खाली हुआ है, तो अभी 50 चल रहे हैं। तो और आगे करते हैं, पूरा खाली हो जाएगा जब तक। तो हमारा अर्धशतक पूरा हो चुका है। बस बेटा बहुत बढ़िया, 99। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे 100 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 100 बार चल गया हमारा ब्रश 200 ग्राम का। तो पक्की बात है मतलब अभी भी बचा हुआ है करीब करीब मेरे हिसाब से 45% बचा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब तक कि उसको बेलन से घिस ना लिया जाए, कंघे से साफ ना कर लिया जाए, अंदर से जब तक कि उसके कण कण ना निकाल लिया जाए, तब तक फेंका नहीं जाता। कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताना। 40% माल है वैसे, अगर नॉर्मल परिवार होगा ना कोई अमीर क्या करेगा, थोड़ा तो यूज करेगा और फिर फेंक देगा। हम इसको पूरा खाली करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए 100 बार कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे साथ तक लग चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 101 से। तो ये हो गया 101, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 149 150। तो दोस्तों हमारे पता पूरे 150 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इतना और बचा है करीब करीब मेरे हिसाब से 30-40 बार निकलेगा मुश्किल से। तो देखिए 150 बार हमारा हो चुका है, मतलब 150 बार हम निकाल चुके हैं इस कटोरी में। देखिए इतना सा टूथपेस्ट निकला है, देखिए अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो 150 हो चुका है, ध्यान रखना। 198 199। तो दोस्तों देखिए हमारे 200 हो चुके हैं, इस पर 199 लिखे हैं, तो अभी इसने 200 लिखा नहीं है। तो मेरे 200 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब क्या 12 से क्या हम थोड़ा भूल रहे थे, मतलब 11-12 हम थोड़ा अंतर आ रहा था, तो फिर हमने सोची कि क्यों ना लिख लिया आया। तो आप समझ सकते थे कि 200 के बाद देखिए इतना और बचा है, मतलब ना के बराबर हो। तो पहले हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं मतलब ढंग से, इससे क्या ना पूरा साफ हो जाएगा एक बार में। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, 100% मुझे विश्वास है। अब पूरा साफ हो चुका है, तो 200 हो चुके हैं मेरे हिसाब से, 210 तक पहुँचेगा करीब करीब। जी जी 201। तो देखिए अभी लास्ट रह गया 208। हाँ 10 तक हो जाएगा, मेरे 10 से भी ज़्यादा जाएगा। 209 ये निकलते ही जा रहा है, मैं सोच रहा था खत्म हो गया, ये तो मतलब ऐसे ही निकल रहा है जैसे कि, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हो। नहीं 210 हो गए, 211। तो 200 देखिए अभी मतलब 200 तक हो चुके हैं, और ये 10 भी हो चुके हैं, तो 211 हो चुके हैं टोटल। 212 है, ये देखिए मतलब मैंने सोचा नहीं था कि 212 क्रॉस कर लेगा यार। 213। तो दोस्तों आप कम्प्लीटली मेरे हिसाब से 1-2 बार और ज़्यादा कर लेगा, 213 कर जाए यार।
पहले मैं एक बार खाली कर लेता हूँ पूरा। देखिए मैं पूरा खाली कर चुका हूँ, पूरा खाली हो चुका है पूरा पूरा नीचे तक, जो ऊपर ही रह गया है टोन टोनी पर जितना भी है। तो देखिए हमारे 213 हो चुके थे, ये देखिए इतना निकला है, तो हमारे 214 हो गए। तो ये देखिए ये तो टट्टी है, मतलब देखिए 215 हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं देखिए इतना निकला है आखिर इसके अंदर। तो मान लीजिए 215 ब्रश हो चुके कम्प्लीटली। तो देखिए आप जो 95 रुपीज का जो टूथपेस्ट लाते हैं ना उसमें देखिए इतना ज्यादा इतना टूथपेस्ट निकलता है, बस मुझे पता वो लग रहा था बहुत ज्यादा निकलेगा पर इतना ही निकला 95 में। ये तो टट्टी है, क्या समझ रहे हैं आप, ये आता है। और देखिए पूरा खाली हो चुका है। तो दोस्तों देखिए हमारे हो चुके हैं 215। तो अगर हम करें ना तो जैसे कि तो दोस्तों अगर आपके घर में चार लोग हैं तो ये टोटली चलेगा 54 दिन, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वैसे 54 दिन आपके यहाँ पर चलेगा अगर आपके घर में चार लोग हैं, पांच लोग हैं तो फिर चलेगा पूरे के पूरे 43 दिन। तो मतलब थोड़ा डिफरेंस आता रहता है, आपके घर में कितने लोग हैं उस हिसाब से टूथपेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। मान लीजिए 10 लोग हुए तो वो मतलब करीब करीब 21 दिन ही चलेगा उस हिसाब से, समझ रहे ना, जितने लोग हैं उस हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। बाकी आपके टूथपेस्ट के बयान के हिसाब से आप कर लेना। बाकी जैसे 200 ग्राम का है तो करीब करीब 210 बार चला, तो समझ लीजिए कि 1 ग्राम का आप एक बार करते हैं, समझ रहे ना आप बात को। बाकी मैं बता देता हूँ, तो जैसे कि 200 ग्राम का 200 बार चला, 215 बार, 15 को हटा लो थोड़ा बहुत साइड में कर लो। बाकी देखिए 1 ग्राम आप एक बार करते हैं तो समझ रहे हैं आप 95 रुपीज का आता है। तो इस हिसाब से आप रोज जो ब्रश करते हैं तो वो आपको पता है 50 पैसे का पड़ जाता है, 50-45 पैसे का, यानी कि 2 दिन में आप 1 रुपए का ब्रश कर लेते हैं। और बाकी अगर आपका 25 ग्राम का होगा तो समझ लीजिए कि वो अगर बाकी करके 5 लोग हैं तो वो 5 ही दिन चल पाएगा। और जितना आप बढ़ा दे जाएंगे उस हिसाब से डिवाइड कर लेना। बाकी अगर आपको 100 ग्राम का है तो अगर आपके घर पर 4 लोग हैं तो वो चलेगा करीब करीब 25-30 दिन, तो इतने ही आसपास चलेगा। और अगर आपका जो टूथपेस्ट है 50 ग्राम का है तो वो चलेगा, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो वो चलेगा 13-15 दिन के बीच में। तो अगर आपको अगर कोई सजेशन देना हो वीडियो के बारे में कि मैं अगला एक्सपेरिमेंट किस बारे में करूँ तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टूथपेस्ट हमारा है जो कितने दिन चलता है। बाकी देखिए पूरा खाली हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो जरा सी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए। तो आप मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में।